नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट, रेकी हीलर, और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले एरिस राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, उनके लिए कैसे कार्ड निकल रहे हैं। तो शुरू उनके लिए करते हैं करियर के कार्ड से। एरिस राशि वालों के लिए करियर का कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा एरिस राशि वालों को इस सप्ताह ध्यान देने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर सकते हैं चीज़ों को अचीव करने की। हर चीज़ जैसे अपने समय पर होती है, आप अपने एफर्ट डाल के थोड़ा सा और उसको तेज़ी से ला सकते हैं। पर आप सोचो कि एक हफ्ते का काम है एक दिन में कर लें, एक महीने का काम एक हफ्ते में कर लें, 4 दिन में कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, इनके मन में ऐसा द्वंद्व चलता रह सकता है, जिसके कारण बड़े एग्रेसिव भी हो जाएंगे कि ये तो मेरे को अचीव करना है, ये तो मेरे को इतने समय में ख़त्म करना है। उसके कारण, एग्रेसिवनेस के कारण इनके काम में बाधा भी आएगी, इनके रिलेशन भी खराब होंगे, इनके इनको बीपी भी, यानी कि ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। क्योंकि जब आप गुस्से में रहेंगे, अननेसेसरी फटाफट हरे को डांटते रहेंगे, जितने भी आपको जूनियर होंगे कि फटाफट करो, तुम लोग काम नहीं करो, कुछ भी इस तरीके से अगर इनका व्यवहार रहेगा एरिस राशि वालों का, तो वो उनका जो आउटपुट है उस पर तो नेगेटिव असर आता ही आता दिखाई दे रहा है, इनकी सेहत के ऊपर भी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो कंप्लीट चीज़ इसको देखने, यानी कि अगर इन्होंने ऐसे लोगों के साथ व्यवहार किया, इनका आउटपुट बिगड़ेगा, इनके रिलेशन बिगड़ेंगे, इनकी हेल्थ बिगड़ेगी। तो एक चीज़ को अगर ख्याल रख लेंगे कि मेरे को गुस्सा नहीं करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, लोगों के साथ मिल के चलना है, काम तो आपके साथ के जो आपके कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, वही सब करेंगे ना, सारे काम तो आप नहीं कर पाओगे। आपकी इच्छाएं ज़्यादा हैं, आप अचीव अच्छा करना चाहते हो, दैट्स गुड, पर हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, बस उतना ही समझना है आपको, अदरवाइज बाकी चीज़ें ठीक होती दिखाई दे रही है। एरिस मेष राशि की बात करें, इनके लिए अगर रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, जो अभी बात हम कर रहे थे करियर में, कि इस तरीके से अगर आपका बिहेव रहेगा तो आपके रिलेशन के ऊपर भी असर पड़ेगा। आपके इसमें दिख भी रहा है, रिलेशनशिप के भी कार्ड आया है, कि कहीं ना कहीं आप निराश होते दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप में। क्योंकि जब आपको ज़्यादा उम्मीद होगी लोगों की, वो उम्मीद पूरी नहीं करेंगे, तो आप मतलब निराश से हो जाएंगे कि यार क्या रिलेशन रखे हैं, तो कोई काम का ही नहीं है, कोई मेरे साथ सहयोग नहीं करता, जब मैं इनको कोई कॉल देता हूँ या देती हूँ, वो मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते। उसके कारण आप बड़े अंदर से डिस्टर्ब भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसा फील होएगा कि आपका साथ कोई दे नहीं रहा, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ये फीलिंग है, एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। कार्ड इज सेइंग रियलिटी, दे आर ऑल विद यू, दे आर ऑल सपोर्टिंग, है ना, सब कुछ है, पर वो जो आपका व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है उसके कारण वो थोड़े से अपने को थोड़ा सा अलूफ कर लिया, आपके साथ उतना घुल मिल नहीं रहे। तो वही जो वहाँ पर बात को बात की कि अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, आउटपुट भी बढ़ेगा, रिलेशन भी अच्छे बने रहेंगे। बात करें यार इसमें राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है द हेरोपेंट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ, यू आर हेल एंड हेल्दी फाइन, पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप अगर चेकअप करा लोगे तो कोई हर्ज नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आप ऑलरेडी थोड़े से बीमार चल रहे हैं, कुछ आपको बीमारी लगी हुई है, आप कहीं पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी सीनियर डॉक्टर से भी कंसल्ट करें जो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो। तो जब आप ये करेंगे, जो आपकी पहले वाली स्थिति में अगर आप पहले से प्रोएक्टिव हो जाते हैं, तो आपकी तबीयत बिगड़ने से बच जाएगी या कोई बड़ी बीमारी आने से बच जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें आपके लिए सजेशन है कि आप किसी भी एक्सपर्ट को, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको दिखाइए। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही अच्छा कार्ड कह सकते हैं इसको, अच्छा इन द सेंस कि आप का ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है, कार्ड ये बता रहा है कि
आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी प्रॉब्लम से आप ग्रसित थे, उसमें आप उलझे हुए थे, आपका इस सप्ताह करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती दिखाई दे रही है। कहीं पर आपका कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी थी वो भी क्लियर हो जाएगी, कोई आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी वो भी क्लियर हो जाएगी, है ना। आपने कोई कहीं पर किसी से अप्रोच की हुई थी आपने, या आपका जैसा बिजनेस है अपना, या आपको एक कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिले वो मिलते दिखाई दे रहे, तो मतलब क्या है कि जो रुकावटें आई हुई थी आपकी करियर में वो दूर होती दिखाई दे रही। और अच्छी बात यह है कि कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल सकता है जो आपको उस स्थिति से बाहर लेके जाए, तो इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड। जो आपका एक प्रॉब्लम वाला दौर चल रहा था वो दौर आपका खत्म होता दिखाई दे रहा है। बात करें टॉरस राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। रिकार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप लोगों को प्यार करते हो बहुत अच्छी बात है, लोगों को चाहते हो बहुत अच्छी बात है, पर अगर केवल ये चाहत रखो कि वो सिर्फ मेरी ही दोस्त रहे या वो सिर्फ मेरा ही दोस्त रहे, वो किसी और से बात ना करे, दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, पोजेसिव इतना ज़्यादा होना ठीक नहीं है। आपके मन में जो फियर रहता है कि वो मेरे को छोड़ ना दे, है ना, तो अगर कोई आपको प्यार करता है, कोई आपको चाहता है, तो वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है कि आपकी बात हर हर आपकी बात किसी को अच्छी लगे या दूसरे की हर बात आपको अच्छी लगे, ये एक दूसरे को समझना होता है। तो उसको रोक के कि वो किसी से बात ना करे, किसी के साथ जाए ना, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपने में इतनी मजबूती लाइए, अपने प्यार में इतनी मजबूती लाइए कि कोई आपको छोड़ के जाने की सोचे ना। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है थ्री ऑफ वेंड्स। यस, इस सप्ताह आपके टॉरस राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आती दिखाई नहीं दे रही है। एक जरूर ये संभावना आ रही है कि आपका ट्रैवल होता दिखाई दे रहा है और आप शायद हॉस्पिटल विजिट भी करें, तो वो दो रीज़न से हो सकता है हॉस्पिटल विजिट करना। एक आप जैसे अभी पिछली उसमें भी हमने राशि में किया था कि वो अपना हेल्थ चेकअप कराएं, तो आप हेल्थ चेकअप कराने के लिए भी विजिट कर सकते हो, प्लस किसी को पूछने के लिए भी आप विजिट कर सकते हो, तो हॉस्पिटल में आपका विजिट आने की पॉसिबिलिटी आ रही है। तो ये था टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए बात करें करियर की, तो करियर के लिए कार्ड आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा जेमिनी मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह सजग रहने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि जरूरत है रादर कि उनका कैश लॉस होता दिखाई दे रहा है। अब कैश लॉस कैसे हो सकता है कि मान लो कि आप जॉब करते हो तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी आ गई, तो आपको कैश भरना पड़ गया, राइट। आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया अपने काम से संबंधित, आप कुछ आप अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया या किसी सप्लायर से कोई चीज़ मंगाई, आपने पेमेंट कर दिया, वहाँ से आपका माल नहीं आया, ठीक है। दूसरा ये भी है कि आपका किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत नुकसान भी संभव है, तो एक तो आप अननेसेसरी किसी के ऊपर भरोसा ना करिएगा। जैसे होता है ना कि जहाँ काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पे लोगों के साथ थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, यार ये तुम मेरा काम कर दियो मैं अभी आ रहा हूँ, है ना, तो आपने अपना पासवर्ड भी शेयर कर दिया। आजकल के बच्चे कई बार ये कर देते हैं, दोस्ती यारी में कर देते हैं। ये आप लोगों को जेमिनी में, तो वैसे तो सबको ध्यान देना है, पर जेमिनी राशि वालों को इस सप्ताह खास ख्याल रखना है कि वो इस तरीके की कोई गलती ना करें जिससे कि अननेसेसरी किसी को ट्रैप में आ जाए और उनका कोई फाइनेंशियल लॉस हो, जो कि होता दिखाई दे रहा है। तो आपको प्रिकॉशन लेना है जो कि आपके हाथ में है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द फूल। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप कुछ नए रिलेशन बनाते दिखाई दे रहे हैं, बनते आपके नए रिलेशन बन रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। अब नए रिलेशन में कब कोशिश इंसान करता है, आपको नई लव लाइफ शुरू हो रही है, नया रोमांस शुरू हो रहा है, आपकी शादी की बात चल रही है, तो इनमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है। दूसरा, एक अगर हम प्रोफेशनल एंगल से भी देखें, आपके नए रिलेशन बन रहे हैं, आप खुद कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप अगर अब कहीं जॉब करते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कि आपका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पर आप लोगों के साथ नए लोगों के साथ मिलकर नए रिलेशन बना रहे हो। आपका अपना बिजनेस है,
बिजनेस में भी अपनी नेटवर्किंग आप बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस सप्ताह आप अपने एफर्ट से अपने रिलेशन बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उसका अल्टीमेटली आपको फायदा भी मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है फाइव ऑफ सोल्स। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको अपने हेल्थ को ध्यान देने की जरूरत है। आप थकान तो आपके ऊपर आते दिखाई दे रही है, आप स्ट्रेस में भी जाते दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन में जाते दिखाई दे रहे हैं, आपका बॉडी एक भी इस सप्ताह काफ़ी होता दिखाई दे रहा है, आपका बैक में भी काफ़ी पेन आता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के आपकी तबीयत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आती दिखाई दे रही है। उसका कुछ रीज़न एक्सेसिव वर्क भी हो सकता है, और ये जो रूटीन फॉलो करना होता है हम लोगों को कि वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, डाइट कंट्रोल, वो शायद आप कुछ टाइम से नहीं कर रहे हैं, जिसका कि असर आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। पीछे आपने नहीं किया, इट्स ओके, पर आज जब से आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं इसको तुरंत आप शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा खराबी होने से चीज़ों को आप बचा ले जाए। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और करियर की बात करें तो करियर के लिए आपका कार्ड आया है एस ऑफ सोर्स। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कैंसर राशि वाले इस सप्ताह कुछ नया शुरू कर सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड। कहीं पर वो एडमिशन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एडमिशन इनका होता दिखाई दे रहा है, मन मुताबिक कॉलेज में भी हो सकता है, मन मुताबिक यूनिवर्सिटी में से भी हो सकता है। आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया होता, प्रमोशन के लिए अप्लाई किया, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आप कुछ नया काम, अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। बस एक चीज़, एक आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना होगा। जल्दबाजी आपको कुछ नहीं करना, लोगों से उतना एक्सपेक्ट नहीं करना जितना वो कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। सो बी नॉर्मल, बी पॉजिटिव, बी हम्बल, बी कूल। जितना आप कूल रहेंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द लवर्स। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको अगर अपने रिलेशन अच्छे बना के चलने हैं तो अपने रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी लाइए, पारदर्शिता लाइए। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि आप जब भी मिलते हैं वहाँ पर अपना एक रूप बना के, यानी कि एक ऐसा पोज करके कि आप जो नहीं है वो आप उनको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहे बॉय हैं, अंकल हैं, ये दोनों के लिए लागू हो रहा है कि जिसके साथ भी आपकी दोस्ती चल रही है, जिसके साथ आप डेट कर रहे हैं, उसको जब आप डेट पे जाते हैं, उससे जब बातें करते हैं, चाहे फ़ोन पे कर रहे हो, फिजिकली मिलते हो, तो आप क्या कर रहे हो कि अपना एक ज़बरदस्ती का आवरण ओढ़ के उनके सामने जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहे। आप उनके सामने वो बन के जाते हो या वो शो करते हो जो आप नहीं हो। आप अपनी जो इनकम बताते हो वो नहीं बता रहे जो आपकी एक्चुअल है। आप अपने बाकियों के साथ रिलेशन, बाकियों के साथ जो आपकी अब तक की अचीवमेंट, जो रियलिटी है वो आप बता नहीं रहे हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है इसलिए इतना डिटेल में कहा कि आप जो भी इस तरीके की गलती कर रहे हो उसको मत करो। हो सकता है कि आप उतना अच्छा अच्छा अपने अपने को प्रोजेक्ट करें, आपकी दोस्ती हो जाए, पर वो जब चीज़ें सामने आने लग जाएगी ऐसे आपका टूटेंगे कि वो दोबारा जोड़ नहीं पाएगा। तो जो सच्चाई है, आप जैसे हैं आप भी उसको एक्सेप्ट करें, और दूसरों को भी भैया कहो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, एक्सेप्ट करना तो करो, ठीक है। क्योंकि मतलब दूसरे के अपने ऊपर दूसरी चीज़ें ढाल के, चाहे वो मेकअप के लिए हो गया, मेकअप करना बुरा नहीं है, पर हर बार अननेसेसरी हैवी मेकअप के साथ जाएंगे तो आपका ओरिजिनल रूप कहाँ। जब आप किसी के साथ अपने नए रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, इन डेप्थ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, तो बी ट्रांसपेरेंट कि भाई मैं ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ, ठीक है। इस रूप में मेरे को स्वीकार करना है तो बताओ, इस रूप में दोस्ती करनी है तो करो, इस रूप में मेरे से शादी की बात करनी है करो। तो अपने में आप जो रिलेशन डेवलप कर रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आइएगा, आगे चल के बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बात करें कैंसर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है पेज ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं जिससे आपकी बात चल रही है आप उसके साथ डेट पे भी जा सकते हैं,
वहाँ पर आपका खाना पीना बिगड़ सकता है। हो सकता है कि ज़्यादा ही एंथुसियास्टिक हो के आप कुछ ज़्यादा ऑर्डर कर दें, ज़्यादा खाने लग जाएं कि ये भी खा ले वो भी खा ले, वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। आपका ट्रेवल भी आता दिखाई दे रहा है, वो पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। उसमें भी आपको ट्रेवल में भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है, तो उसको आपको ख्याल रखना होगा। वैसे तो बारिशें हो रही हैं, आपको हमेशा ख्याल रखना, पर स्पेशली इस सप्ताह आपको ख्याल रखना है। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में। और देखते हैं कि कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है सिंह राशि वालों के लिए। करियर का कार्ड निकल के आया, नाइन ऑफ वेंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि सिंह राशि वाले इस सप्ताह उनपे एक्सेसिव वर्क आता दिखाई दे रहा है, जितना उनकी क्षमता है उससे ज़्यादा उनको काम करना पड़ सकता है। अब देखिए, कई बार तो होता है कि जैसे हमारी फैक्ट्री है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन अपना बढ़ाते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाते हैं इसलिए कि सब आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो हम चीज़ों को स्टॉक करना चाहते हैं, तो वो एक प्रेशर होता है जब आपका अपना काम है। अब अगर आप उसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयर है वो इस तरीके का टारगेट लेके चल रहा है, तो एक्चुअल में काम कौन करेगा जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं। तो उस तरीके से आपके ऊपर एक्सेसिव वर्क आता दिखाई दे रहा है, चाहे आप एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय, ठीक है। उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं किसी रूप में ये पॉजिटिव भी है कि हर कोई चाहता है कि मेरी अच्छी से अच्छी सेल हो, अच्छी से अच्छी इनकम हो, फाइन। पर ये तो अच्छा ही है, पर उसकी बुराई ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं उसका एडवर्स इफेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर जा सकता है। तो जितना काम आपकी बॉडी कर सकती है उतने तक अपने को सीमित रखिएगा, उसके आगे नहीं। काम तो आपका हो जाएगा, सेहत आपकी डाउन हो जाएगी। सेहत को ध्यान रखते हुए जितना कर सकते हो करो, पर यस, रिजल्ट अच्छे आते दिखाई दे रहे हैं। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है टू ऑफ वेंड्स। काफ़ी अच्छा कार्ड है, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आपका नए रिलेशन आपकी शादी के लिए भी बन सकते हैं, आप नए जॉब में कहीं गए हैं वहाँ पर नए रिलेशन बन सकते हैं, नया आपने बिजनेस शुरू किया है वहाँ पर नया क्लाइंटेल, नए सप्लायर, उनके साथ आपके रिलेशन बन सकते हैं। आपके इस सप्ताह कुछ ओवरसीज कनेक्शन भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है वो आपको मिल सकता है, आप बाहर जा सकते हो अपने काम के सिलसिले में, प्लस वहाँ पर आपके रिलेशन और ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप अपने पे ध्यान दे नहीं रहे हो, जबकि दे सकते हो, देना चाहिए। आप पहले जिम भी जाते थे, पहले एक्सरसाइज भी करते थे, आप योगा भी करते थे, आपने किसी कारणवश सब चीज़ें छोड़ दी हैं, ठीक है। आपकी जो इतनी सुंदर बॉडी है उसकी केयर करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको कोई नहीं कर पाएगा। और आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपको पता है कि आपकी बॉडी की क्या डिमांड रहती है, उसकी कैसी केयर करनी है। तो प्लीज़ आप अपनी बॉडी की केयर करना शुरू करिए, क्योंकि जितने आपकी लाइफ में अभी अचीवमेंट्स आने वाले हैं, जैसे रिलेशन आपके अच्छे होने वाले हैं, काम ज़्यादा आ रहा है, इट्स अ गुड थिंग ना, बस आपको सेहत को बैलेंस करके चलना, अदरवाइज तो काम ज़्यादा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब जब अच्छी बातों को तभी आप इंजॉय कर पाओगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। उसके लिए आपका कार्ड निकला, बहुत क्लियर कार्ड कह रहा है कि अपनी बॉडी का ख्याल रखो, उसके ऊपर ज़्यादा अत्याचार मत करो। जिस तरीके से प्यार से हम छोटे बच्चों को सहलाते हैं, उस तरीके से अपनी बॉडी को सहला के उसकी केयर करो। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आया है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में। और देखते हैं कि कौन सा कार्ड आ रहा है करियर के लिए वर्गो राशि वालों के लिए। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छा कार्ड। वर्गो राशि वालों को इस सप्ताह कहीं ना कहीं से मॉनेटरी गेन होता दिखाई दे रहा है। अगर हम कहेंगे अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन तो भी गलत नहीं है। आपका अगर कहीं पैसा डूब गया था वो आपको रिकवर हो सकता है, कोई बड़ा आपको ऑर्डर मिल सकता है जिससे कि आपकी इनकम एकदम से ग्रो कर जाएगी। आप कहीं बिजनेस अपना जॉब करते हैं
वहाँ पर आपको जंप के साथ प्रमोशन मिल सकता है, आपको पे हाइक भी मिल रही है, इंसेंटिव भी मिल रहा है, पीछे का बोनस भी मिल रहा है। तो चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपको खूब ऐसा पैसा जो आप अभी सोच नहीं रहे थे ऐसा आपको मिलता दिखाई दे रहा है। प्लस इसके साथ साथ कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप कोई बिजनेस नया शुरू करना चाह रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम, शुरू कर दीजिए। आप जो भी अभी बिजनेस में बिजनेस लॉन्च करेंगे आपको उसमें फायदा मिलने वाला है। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ सूट्स। तो भाई थोड़ा सा जब आप तरक्की करेंगे, आपकी तरक्कियाँ होगी, तो थोड़ा सा रिलेशन बिगड़ सकते हैं, पर यहाँ पर रिलेशन बिगड़ने का कारण आप खुद आ रहे हैं। यहाँ ना तो कोई आपको चीट कर रहा है, ना आपको कोई धोखा दे रहा है, ना आपको मिसयूज कर रहा है। आपके मन में कुछ रिलेशंस को लेके गलत फहमी आ सकती है या गलत करने का आपके मन में लालच आ सकता है। कार्ड बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है, कुछ भी आपके मन में गलत करने की भावना आ रही है उसको वहीं पर दबा दीजिए, अदरवाइज वो आपके लिए बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट कर सकता है। तो इसको बहुत ही बहुत क्लियर शब्दों में सुनिए, रिलेशन को लेके अगर आपके मन में किसी के साथ कुछ गलत करने का आ रहा है, उसको इमिडिएटली दिमाग से निकाल दो, अदरवाइज आपका बहुत लंबा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका आया है 6 ऑफ वेंड्स। अच्छा कार्ड है, हेल्थ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, ट्रेवल भी आपका आ रहा है, आप अपने जो सेहत के लिए जितनी आप कोशिश कर रहे हैं वो भी रिजल्ट आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें वर्गो राशि वालों के लिए, ये सप्ताह हेल्थ को लेके ठीक है, बाकी चीज़ें जो आपको संभालनी है रिलेशनशिप की वो ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, आपके लिए लकी कलर आया है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं येलो खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और करियर की बात करें तो करियर का कार्ड निकल के आ रहा है आपके लिए 4 ऑफ सोल्स। देखिए जिंदगी में हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो ऐसा तो होता नहीं है। कुछ आगे आने वाले समय में अगर कोई चीज़ गड़बड़ होने लगी और उसके आपको पहले से पता चल जाए तो कितना ही अच्छा हो। यही कार्ड आपको इस बार सजेस्ट कर रहा है कि आपके करियर में कोई ना कोई आपको धोखा देता दिखाई दे रहा है। आपका अगर अपना बिजनेस है तो बिजनेस में कोई आपको चीट कर सकता है। चीट करने का मतलब क्या हुआ कि आपने माल भेज दिया, उन्होंने पैसा नहीं भेजा, ठीक है, या आपने जिससे जो माल मंगाया उसने अच्छी क्वालिटी का माल नहीं भेजा, उन्होंने उतनी क्वांटिटी का नहीं भेजा जितना आपने मंगाया, क्योंकि कहीं पर भी कोई गलत कर सकता है, राइट। दूसरा अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में कोई ना कोई आपको चीट कर सकता है। अब वो चीट तभी हमें जॉब में कोई कर पाता जब हम अपनी निजी चीज़ें जो हमारी अचीवमेंट हो रही है, जो हमारे पर्सनल चीज़ें जैसे कि पासवर्ड वगैरह, वो जब हम शेयर करने लगते हैं, हमारी क्या प्रोग्रेस हो रही है हम शेयर करने लग जाते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई उसका एडवांटेज ले लेता है और हमें चीट कर देता है। क्योंकि हर कोई फास्ट सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है, उसके लिए बेईमानी ही सबसे अच्छा है। आपके साथ कौन क्या कर रहा है, यू शुड नॉट कंसर्न विद दैट, यानी कि उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आप अपने पे ध्यान दो कि आपको कुछ गलत नहीं करना, एंड बी रेडी फॉर दैट। जो भी आपके साथ जो करने जा रहा है उसके लिए आप तैयार रहो, मजबूत रहो कि भाई मेरे को पता था कर सकता है। आप सारे प्रिकॉशन लेते रहे तो हो सकता है स्थिति टल भी जाए। रीडिंग का यही फायदा होता है कि हमें समय रहते जब पता चल जाता है तो हम टाइमली एक्शन ले लेते हैं जो कि आपको लेना है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। आप खुद ही देख लीजिए, ये लोग सेलिब्रेशन के मोड में लग रहे हैं, आपका भी सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है। लिब्रा राशि वालों के लिए सेलिब्रेशन कैसे हो सकता है, आपकी शादी की बात अगर चल रही है वो पक्की हो सकती है, रोका सेरेमनी हो सकती है ना, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी नई फ्रेंडशिप बन सकती है, नई फ्रेंड आपका रोमांस शुरू हो सकता है, कुछ ना कुछ आपका रिलेशन को लेके बहुत ही अच्छी स्थिति सप्ताह आपकी आती दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ कप। देखिए दो चीज़ें, एक आपकी बॉडी, अपनी बॉडी का केयर करने के लिए आपके लिए मैसेज है कि भाई आप सब कुछ कर रहे हो, लोगों के साथ रिलेशन भी बना रहे हो, उनके साथ डेट पे भी जा रहे हो, कुछ भी खा पी रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, काम भी ज़्यादा कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ फाइन,
पर अपनी बॉडी का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपका आने वाला समय थोड़ा सा बिगड़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए आज जब आप मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आज इसे आप तैयार कर लीजिए अपने को कि मेरे को अपनी सेहत के लिए क्या क्या करना है। जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, जिम जाना है, क्या करना है जो आपको सूट होता है वो करिए। ज़रूरी नहीं कि किसी से प्रभावित होके करें, आपको जो अच्छा लगता है करें, पर करना ज़रूरी है और आज ही उसको शुरू कर दीजिए। यह था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आ रहा है व्हाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, व्हाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, व्हाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और देखते हैं करियर के लिए क्या कार्ड निकला है आपका, द डेविल। स्कॉर्पियो राशि वालों को जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपने को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ उनके अंदर नेगेटिविटी है जो उनकी ग्रोथ को रोके हुए है, जो उनकी प्रोग्रेस को रोके हुए है। अब यहाँ पर मैं सारी नेगेटिविटी की लिस्ट तो नहीं बताने जा रहा है ना, पर यस, आपके मन में किसी के प्रति जेलसी हो सकती है, कुछ गलत करने की इच्छाएं आपके अंदर हो सकती हैं, चोरी की भावना हो सकती है, काम चोरी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको एक्चुअल में नहीं करनी, कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आपको निकालने की ज़रूरत है। बहुत क्लियर मैसेज है कार्ड का, उसको आप जब निकालेंगे, अपनी नेगेटिविटी पे काम करेंगे, तब आपके उसका रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। दूसरा एक ये भी चीज़ आपके साथ आ रही है कि आपकी अगर हायर पोजीशन है, आपके जूनियर्स ज़्यादा हैं, आपके कलीग्स भी हैं जिनके साथ मिलकर आपको काम करना होता है, आप उनके उनसे भी परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि नीदर यू आर परफेक्ट नॉट दे आर। तो जब आप परफेक्ट नहीं हो, ना आप हो ना हो, तो इतने परफेक्शन की तरह आप सोचो ही नहीं, आप केवल काम पे फोकस करिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्लस इंट्रोस्पेक्ट करिए, मेरा रिजल्ट ये जो अभी प्रोग्राम आ रहा है सुनने के बाद, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप दूर कर सकते हैं। ईमानदारी से सोचेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये मैं गलत करता हूँ, मैं उससे गुस्से में बोलता हूँ, मैं उसके साथ गलत बिहेव करता हूँ, कुछ भी आता होगा, वो जब आप ठीक कर लेंगे, आपका ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपका जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है टेम्परेंस। अगेन देखिए, उसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म कह सकते हैं कि भाई लोगों के साथ आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके चलना है। आप क्या कर रहे हो, उनसे सबसे जो भी आपके रिलेशन में है, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। आप जैसे पिक्चरों में होता है ना, आइडियल पति, आइडियल पत्नी, आइडियल भाई, आइडियल माँ, आइडियल पापा, पापा और मम्मी तो आइडियल होते ही होते हैं, है ना, हमेशा हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, पर जो दूसरे हैं हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें करने लग जाते हैं। आइडियल फैंसी, आइडियल बॉस, आइडियल कलीग्स, आइडियल जूनियर नहीं होता, हर कोई मिक्सचर होता है। जिस तरीके से आपका करियर का कार्ड आया, आपको एडजस्ट करके चलना है लोगों के, जिसको मैं अक्सर मैं बोलता हूँ कि स्टेप इन टू द शूज ऑफ अदर्स, दूसरे के परिप्रेक्ष्य से सोचिए, तब आपको सही दिखने लग जाएगा कि मेरे को कैसे व्यवहार करना है, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। और जब आप व्यवहार ठीक कर लोगे, तो आपका सब चीज़ें रिलेशन एंड करियर दोनों में अच्छा आ जाएगा। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। थोड़े से आप इमोशनल होते दिखाई दे रहे हैं, आपका ट्रैवल भी आता दिखाई दे रहा है, तो ट्रैवल आप क्योंकि काम के सिलसिले में जाना है तो जाना ही होगा। नॉर्थ की बात करें, यहाँ बारिशें काफ़ी हो रही हैं, आपको खाने पीने का विशेष ख्याल रखना होगा। प्लस जिनसे आप मिलेंगे उनसे इमोशनल कुछ आपका डिस्टर्बेंस भी होता दिखाई दे रहा है, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि अगर इमोशन डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके एंग्जाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, तो उतना आपको केयर करना, अदरवाइज बहुत ही अच्छी आपकी सेहत जाती दिखाई दे रही है। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आया है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है करियर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसको दो तीन एंगल से हम लोग समझ सकते हैं इस कार्ड को। अगर आपकी फीमेल बॉस है, तो आपको उसका साथ मिलता दिखाई दे रहा है, वो आपको फेवर करती दिखाई दे रही है। आप अगर सिंगल वुमेन है, आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस लोगों की तो है ही है, पर आप काफ़ी हद तक उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते भी दिखाई दे रही है।
पर समहाउ आप अपने काम को लेके अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं, खासकर सिंगल वुमेन की बात हो रही है, आपको अकेलापन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होगा। अचीवमेंट्स आपके उतने शायद नहीं हो पाएंगे जितना आपका कैलिबर है, जितना आपकी क्षमता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अकेलापन आपको दिक्कत दे सकता है, आपको इस स्थिति से बाहर आना है। प्लस अगर आप जैसे मेल हैं तो कोई मेल है तो आपको आपकी फीमेल बॉस का साथ प्लस मदर का साथ वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है द वर्ल्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो तो अच्छे होते ही दिखाई दे रहे हैं, आपके जो नए रिलेशन इस सप्ताह बनेंगे वो भी आपके बहुत ही अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के यू विल बी अ वेरी रिच पर्सन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आप जिससे भी आपका जैसा बिजनेस है, जिसके साथ बिजनेस एसोसिएट करना चाह रहे हैं उसके साथ आप कर पाएंगे, जिसके साथ बिजनेस डील करना चाह रहे हैं वो डील क्रैक हो जाएगी और आपके रिलेशन भी काफ़ी अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए एक कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड अच्छा है, पॉजिटिव है, आपकी हेल्थ अच्छी होती दिखाई दे रही है। अगर आप थोड़े से बीमार चल रहे थे रिकवर करते दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज बहुत अच्छी हेल्थ जाएगी। बस आपके लिए एक मैसेज जरूर है कि आप किसी न किसी की मेडिकली हेल्प कर दीजिए, कोई आपके जूनियर होंगे, कोई आपके वर्कर होंगे, कोई आपकी मेड हो सकती है ना, इवन बाहर जा रहे हैं रिक्शा पुलर वगैरह, कोई भी गरीब जिसको आप देखें कि मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, किसी को कोई दवाई दिलानी है वो दिला दीजिए। हॉस्पिटल में एडमिट कराने में ज़रूरत आप अगर पड़ रही है उनकी सहायता कर सकते हैं, डॉक्टर की फीस आप दे सकते हैं, कुछ ना किसी रूप में आप किसी की मेडिकल ट्रीटमेंट में उनकी हेल्प करिए तो आपकी आने वाले समय में बहुत अच्छी हेल्थ जाती दिखाई दे रही है। ये तो सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आया ब्लू, आप कुछ नया खरीद रहे हैं ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बाद बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर का कार्ड आया आपका फाइव ऑफ वेंट्स। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको इस सप्ताह, वर्क प्लेस पे कोई ना कोई रीज़न ऐसा डेवलप हो सकता है कि आपका झगड़ा हो अपने जूनियर के साथ, कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, सीनियर के साथ, है ना। आपका अगर बिजनेस है तो आपके कस्टमर से, क्लाइंट से, सप्लायर से, किसी ना किसी से झगड़ा हो सकता है। यानी कि जहाँ पर भी आपकी कर्म स्थली है, जो आपका वर्क प्लेस है, आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, वहाँ पर आपका झगड़ा होता दिखाई दे रहा है। अब कोई झगड़ा करना ही चाह रहे तो आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, आप अपने को कंट्रोल कर सकते हो। एक आप तय कर लीजिए मेरा प्रोग्राम सुनते सुनते कि अगले सप्ताह तक मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, एकदम पक्का कर लो, कोई कुछ भी बोले मेरे को झगड़ा नहीं करना, और अगर कोई झगड़ा करता है उसको रिएक्ट मत करना, ठीक है। अब ये दो चीज़ें कर लोगे तो आपका जो जो प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है करियर में, क्योंकि आपके झगड़े होंगे तो उसका आउटपुट पे भी असर आएगा, आपके मानसिक स्थिति पे भी दिक्कत आएगी, आपकी हेल्थ पे भी दिक्कत आएगी। तो वहाँ की चीज़ों, वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ की एनर्जी अगर आप संभाल ले जाएंगे तो बाकी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छे रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आप अगर मैरिजेबल एज की है, मैरिज की बात चल रही है, मैरिज पक्की हो सकती है, नए मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं। आप जिस तरीके से हमारे कल्चर है कि जो लड़का लड़की है एक दूसरे को पहले देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। पर कुल मिला के आप जिससे भी मिलेंगे, अगर आपकी शादी की बात चल रही है, वो आपका प्रपोजल यानी कि वहाँ पर शादी आपकी फिक्स हो सकती है। अदरवाइज आपकी लाइफ में, लव रिलेशन में भी आपके बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। आपकी इस सप्ताह कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए हेल्थ आपकी अच्छी जाती दिखाई दे रही है। अगर आप पीछे कुछ टाइम से अगर आपकी तबीयत खराब चल रही थी, वो उसमें धीरे धीरे कंटिन्यू चेंजेस आते दिखाई देंगे और बाय द एंड ऑफ दिस वीक आप एकदम परफेक्ट, एकदम हेल्दी हो जाएंगे। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आया रेड, आप कुछ नया खरीद रहे हैं रेड खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से
19 फरवरी के बीच में हुआ। और करियर की बात करें तो आपके लिए करियर का कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। थोड़ा सा अपने करियर से आप निराश होते दिखाई दे रहे हैं, निराश इन द सेंस कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, हो सकता है प्रमोशन में आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, आपको प्रमोशन के लिए कॉल ना आई हो, आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया हुआ, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड हो गए, आपको एक उम्मीद जग गई पर कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू आपके फेवर में नहीं गया, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे या आपका ऑलरेडी बिजनेस है रादर, और आपकी इस सप्ताह उम्मीद थी कि इतना मेरा फुटफॉल होगा, इतनी सेल होगी, वो उतनी नहीं हो रही, तो आप अपने इन सब चीज़ों से निराश होते दिखाई दे रहे हैं। पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपके उतने फुटफॉल नहीं हुए, उतनी सेल नहीं हुई, दुकान तो है, आपका शोरूम तो है, बिजनेस तो है, आज नहीं तो कल होने लग जाएगा, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, इट्स ओके, जॉब तो है, बरकरार है ना। तो जो आपकी उम्मीदें हैं ठीक है, वो पूरी नहीं हुई, बुरा लग रहा होगा आपको, पर आपको ये संतोष करने की ज़रूरत है कि आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें सब खत्म नहीं होगी, उतना संतोष कर लोगे तो मानसिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी और आउटपुट आप बढ़ा ले जाओगे, अचीवमेंट्स आपके बढ़ जाएंगे, एनर्जी पे आपको अपना काम करना होगा। बात करें कोई रिस्क राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप थी तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। थोड़े से आपको रिलेशन इस सप्ताह संभालने होंगे, खासकर फीमेल्स के साथ, आप अगर खुद भी फीमेल हैं तब भी, और आप मेल हैं तब भी आपको फीमेल्स के साथ रिलेशन संभालने होंगे, क्योंकि जो आपके आसपास की फीमेल हैं वो हो सकता है किसी डिप्रेशन में हो, किसी टेंशन में हो, तो वो अपना दी बेस्ट आपको ना दे पा रहे हो सकता है ये आपके साथ हो, तो डोंट एक्सपेक्ट कि हर कोई हमेशा आपके साथ बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत आपके साथ गुडी गुडी रहेगा, हर किसी के मूड का होता है, तो थोड़ा सा जो भी आपके आपके साथ फीमेल्स हैं उनको थोड़ा सा, चाहे वो आपकी मॉम भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, फियांसी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कोई भी, आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, क्योंकि उनको आपकी अंडरस्टैंडिंग की भी सप्ताह ज़रूरत आती दिखाई दे रही है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आपका निकला है 3 ऑफ सोर्ड्स। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आपका सर्जरी की भी पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा एक्सीडेंट की भी पॉसिबिलिटी है। अब अगर आपका कुछ ऑलरेडी चल रहा है, उसकी सर्जरी हो, दैट्स ओके, आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में होंगे, पर अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करें, है ना, रैश ड्राइविंग ना करें, अननेसेसरी ओवरटेक ना करें, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। हॉस्पिटलाइजेशन आता दिखाई दे रहा है, सो आप केवल प्रिकॉशन लेना ये सब था। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, आपके लिए लकी कलर आया ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड यानी कि पाइसिस मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है इनका करियर के लिए। करियर के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए काफ़ी क्लियर मैसेज है कि आप अगर हायर पोजीशन पर हैं खासकर, तब आपको इस बार कोई नया डिसीजन लेना पड़ सक रहा है, जिस जो कि बहुत लोगों के ऊपर असर डालने वाला है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको बायस्ड होकर डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि बहुत लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो एकदम सही है वो डिसीजन लीजिए। प्लस थोड़ा सा अपनी एग्रेसिवनेस कम करिए, अपना गुस्सा कम करिए, ये आपके रिलेशन, आपके करियर में दिक्कत दे सकता है। बात करें पाइसिस मीन राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 10 ऑफ पेंट्स। रिलेशनशिप में भी आपकी सप्ताह थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई दे रही है पाइसिस मीन राशि वालों को। आपको लग रहा होगा कि कुछ रिलेशन ऐसे हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, कि मैं उन रिलेशन को ज़बरदस्ती ढो रहा हूँ या ढो रही हूँ, यानी आई एम जस्ट कैरिंग दैट रिलेशन। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू जस्ट ड्रॉप दैट मैसेज, छोड़ दो उसको। रिलेशन को कैरी नहीं किया जाता, निभाया जाता है, एडजस्ट किया जाता है एक दूसरे पर। आपको अगर लग रहा है कि आप उसको कैरी कर रहे हो, अननेसेसरी ढो रहे हो, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ते ही क्या होगा, आप रिलैक्स फील करोगे और आपके कहीं पे भी बाकियों के साथ रिलेशन इफेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो क्लियर मैसेज क्या है कि यू हैव टू ड्रॉप अ रिलेशनशिप फॉर एवर कह सकते हैं, क्योंकि वो आपको दिक्कत दे रहा है रिलेशन, उसके साथ आपको आगे नहीं जाना। बात करें पाइसिस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वेंड्स।
आपको अपनी हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आपके देखिए करियर में भी और आपके रिलेशनशिप में भी, आपका सब चीज़ में कहीं ना कहीं आपका एग्रेसिवनेस, आपका अक्खड़पन, आपका जो रिजिडनेस है वो थोड़ी सी आपकी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। इसी के कारण आपका माइग्रेन भी इस बार संभव है कि माइग्रेन आपको हो। स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण आपका बीपी भी बढ़ सकता है। तो आपको सब जगह से घूम फिर के तीनों कार्ड में आपका एक ही मैसेज आ रहा है, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशन, यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, और अगर कोई चीज़ आपको दुख दे रही है, दिक्कत दे रही है, उसको छोड़ दीजिए। तो ये था पाइसिस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह यानी कि 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त का सप्ताह राशिफल। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे फॉलो करें जहाँ पर मेरे नए नए वीडियो डालते रहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।